हेलो एंड वेलकम टू एसके क्रिएशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मास्क बनाना सीखेंगे, वो भी बहुत ही सिंपल एंड इजी ट्रिक के साथ। फ्रेंड्स, इस मास्क को बनाना बहुत ही इजी है। तो फ्रेंड्स, आप इस मास्क का एक व्यू देख सकते हैं, ये किस डिज़ाइन का मास्क है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप इस मास्क को बनाने की पूरी जानकारी सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा जो मेजरमेंट है, स्मॉल, मीडियम या लार्ज, आप उसे चेक कर लें। उसके बाद फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एम साइज़ का मास्क बनाएंगे। तो उसके लिए जो हमने फैब्रिक लिया है, उसकी चौड़ाई 26 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 3 पीसेस ऑफ फैब्रिक लिया है या 3 लेयर मास्क है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने फैब्रिक को हाफ फोल्ड करेंगे। हाफ फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स, देखिए ऊपर की साइड हमारा फोल्डेड और नीचे की साइड ओपन साइड है। तो जो हमारा ओपन साइड है, वहाँ से हम ऊपर की साइड से 5 सेंटीमीटर लेंगे। फ्रेंड्स, आप इसे इंचेस में भी मेज़र कर सकते हैं, हमने इंचेस की भी मार्किंग कर दी है। तो फ्रेंड, नीचे की साइड से हम 5 सेंटीमीटर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, ऊपर की साइड जो हमने 5 सेंटीमीटर लिया था, वहाँ से हम 3.5 सेंटीमीटर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, ऊपर की साइड वाला जो एरिया है, वहाँ पर हमें ऊपर की साइड से 3.5 सेंटीमीटर लेना है। उसी तरह फ्रेंड्स, जो हमारा नीचे की साइड वाला एरिया है, वहाँ से भी हमें 3.5 सेंटीमीटर लेना है। उसके बाद जो हमने भी डॉट किया है, उसे हमें अपने 5 सेंटीमीटर वाले डॉट से मिला देना है स्केल की हेल्प से। उसी तरह फ्रेंड्स, जो हमारा दूसरी साइड वाला 3.5 सेंटीमीटर वाला डॉट है, उससे हमें प्लेट की हेल्प से एक कर्व शेप में ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी प्लेट्स का यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद जो हमारा फोल्डेड साइड है, वहाँ से हमें हमारा मिड पॉइंट लेना है। तो ये हमारा 16 सेंटीमीटर का था, तो हमारा मिड पॉइंट 8 सेंटीमीटर हुआ। फ्रेंड्स, मिड पॉइंट लेने के बाद हम अपने फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा मिड पॉइंट है और जो हमारा 3.5 सेंटीमीटर वाला डॉट है, वहाँ से हमें कर्व ड्रॉ कर लेंगे प्लेट की हेल्प से। सेम उसी तरह फ्रेंड्स, जो हमारे दूसरे साइड का 3.5 सेंटीमीटर वाला डॉट था, उसे हम मिड पॉइंट से मिलाकर एक कर्व शेप ड्रॉ कर लेंगे प्लेट की हेल्प से, इसे भी सेम। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस शेप का आना चाहिए आपका। फ्रेंड्स, अब हमने जितनी भी लाइन्स ड्रॉ किया है, उसे हम कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए हमने आपको बता दिया है कि हमें कहाँ से कहाँ तक कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद ये हमारा कपड़ा कट कर निकल चुका है। उसके बाद इसमें हमारा 6 पीसेस ऑफ फैब्रिक है। फ्रेंड्स, हर फैब्रिक के दो दो पार्ट होंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेयर ऑफ फैब्रिक। चलिए फ्रेंड्स, अब हम सेट करते हैं कि हमें सिलाई कैसे लगानी है। तो सबसे पहले हमारा जो मिडिल लेयर है, हम उसे रखेंगे एक पीस। उसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है, उसके दोनों पीस को इसके ऊपर रखेंगे हम। और उसके बाद जो हमारा मिडिल लेयर था, उसे हम इसके ऊपर रखेंगे। और फ्रेंड्स, हमें अब इसके ऊपर की साइड में सिलाई लगानी है। जो हमने कर्व साइड ड्रॉ किया था, हमें उसके ऊपर सिलाई लगानी है। सेम उसी तरह जो हमारा थर्ड लेयर ऑफ फैब्रिक था, हमें उसके ऊपर भी सिलाई लगानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सिलाई लगा लेते हैं। ये जो हमने सिलाई लगा रही है, वो कपड़े में 4 पीसेस ऑफ फैब्रिक है। और फ्रेंड्स, जो हमारा सेकेंड वाला कपड़ा है, उसमें हमारे 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक हैं। तो हमें इन सब की सिलाई लगानी है ऊपर की साइड में। ऊपर की साइड में सिलाई लगा लेने के बाद जो हमारा 4 पीसेस ऑफ फैब्रिक है, मेन फैब्रिक जो हमारा है, उसे हम सीधा कर लेंगे और अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे सारे कॉर्नर्स को। और सारे जो हमने सिलाई किया है, उसके ऊपर आप अच्छे से दबाकर एक अच्छा निशान बना लें, ताकि वो मुड़े ना और कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारा थर्ड लेयर ऑफ फैब्रिक था, उसे हम उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे। और जो हमने सिलाई लगाई है, जहाँ पर दोनों का जो सिलाई है, उसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और अच्छी तरीके से एक दूसरे के बराबर कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से बराबर कर ले, हिलना नहीं चाहिए, एक दूसरे के ऊपर बराबर तरीके में रहना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जहाँ जहाँ पर निशान बनाया है, आपको केवल वहाँ पर सिलाई लगानी है। हमें ऊपर की साइड में सिलाई लगानी है और नीचे की साइड में सिलाई लगानी है।
दोनों साइड में सिलाई नहीं लगानी है। यहाँ पर निशान नहीं है फ्रेंड्स, वहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है। फ्रेंड्स सिलाई लगाते वक्त हमारा जो फैब्रिक है, तीनों फैब्रिक एक साथ होना चाहिए, कोई भी ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए, उससे सिलाई करने के बाद प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारा जो कॉटन लेयर है वो होना चाहिए, उसके बाद हमारा मेन फैब्रिक और फिर उसके ऊपर हमारा ब्लैक लेयर ऑफ फैब्रिक। आप एक बार रीचेक कर लेना सिलाई करते वक्त, ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। और फ्रेंड्स हमें दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है बस, ऊपर और नीचे की साइड। दोनों साइड सिलाई लगा लेने के बाद हम अपने कपड़े पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। जहाँ पर हमने सिलाई की है उसके नज़दीक हमें कट लगानी है, और ऊपर की साइड जो हमारा एरिया जहाँ पर हमारी सिलाई है कर्व एरिया, वहाँ पर हम कपड़े को कट कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि वह मोटा ना हो। नीचे की साइड में जो मोटा वाला एरिया है वहाँ से भी थोड़ा सा कपड़ा कट कर लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद अब हम इसे सीधा करेंगे, जो हमने साइड में एरिया खुला छोड़ा था वहाँ से हम अपने कपड़े को सीधा कर लेंगे। हमें ऊपर और नीचे वाला कपड़े को पकड़ कर सीधा करना है, हमें हमारा जो मिडिल लेयर है उससे सीधा नहीं करना है। तो फ्रेंड्स सीधा कर लेने के बाद सारे कॉर्नर्स को आप अच्छे तरीके से निकाल ले। ऊपर का जो हमारा नोज़ वाला कॉर्नर है उससे भी आप पिन की हेल्प से या फिंगर की हेल्प से निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमने सारे कॉर्नर्स को निकाल दिया है, और जितनी भी सिलाई की है उससे हम फिंगर की हेल्प से सेट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप इसके ऊपर एक बार आयरन कर ले, ताकि ये आसानी से सेट हो जाए और सिलाई करने में बहुत ही ईजी होता है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इसमें सारे कॉर्नर्स को निकाल लिया है। उसके बाद ऊपर और नीचे की तरफ हम इलास्टिक लगाएंगे फ्रेंड्स। तो हमारा जो इलास्टिक हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो 16 सेंटीमीटर का है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने दो पेयर ऑफ इलास्टिक लिया है, तो 16 सेंटीमीटर इंटू टू फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने आपको स्मॉल, मीडियम और लार्ज तीनों की मेजरमेंट बता दी है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा ऊपर और नीचे की साइड वाला एरिया है वहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर फोल्ड करेंगे, और वहाँ पर हम इलास्टिक को लगाएंगे फ्रेंड्स। जिस तरह हमने लगाया है आप उस तरह लगाएं। और फ्रेंड्स इसके बाद हम ऊपर की साइड से सिलाई लगा लेंगे अपने पूरे फैब्रिक पर। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे, और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए, या आपकी कोई क्वेरीज है, या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो वो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके सारी क्वेरीज का आंसर देंगे, और जो आप हमें सजेशन देंगे उस पर हम वीडियोस भी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने अपने मास्क पर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगा लेने के बाद फ्रेंड्स इसका आप व्यू देख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन का मास्क है फ्रेंड्स। देखिए ऊपर से नोज़ के साइड में थोड़ा सा कर्वी शेप का बना है, जो कि बहुत ही अच्छा नोज़ के ऊपर पूरे अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं इसको आपको चारों साइड से दिखा देती हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही प्यारा मास्क है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।